महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बीच मतभेद है। पिछले दिनों शिवसेना के पार्षदों ने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। अब इस पर एनसीपी शिवसेना आमने सामने है। सीएम उद्धव ठाकरे एनसीपी के इस हरकत से नाराज हो गए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम अजीत पवार को सख्त संदेश दिया है। उद्धव की तरफ से कहा गया है कि एनसीपी ज्वाइन करने वाले सभी पार्षदों को वापस भेजा जाए। ये संदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पर्सनल सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन के जरिए दिया है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराज हैं और उन्होंने एनसीपी से पार्षदों को वापस भेजने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूरे जिले के बारामती में परमार से शिवसेना के 5 पार्षद डिप्टी सीएम अजीत पवार की उपस्थिति में एनसीपी में शामिल हो गए थे, जिसे लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। शिवसेना पार्षदों द्वारा एनसीपी ज्वाइन करने के बाद शिवसेना की खूब फजीहत हुई। शिवसेना और एनसीपी दोनों महागाड़ी सरकार में शामिल है, लेकिन शरद पवार शिवसेना में सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसे में साफ दिख रहा है कि सत्ता भोग के लिए दोनों दल साथ तो आ गए, लेकिन अपने फायदे के लिए शरद पवार शिवसेना को तोड़ भी सकते हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले विधान परिषद की 12 खाली सीटों को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच तल्खी देखी गई थी। वहीं हाल में ही मुंबई में आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर भी एनसीपी और उद्धव ठाकरे के बीच रस्साकसी जारी है। सवाल है कि अगर गठबंधन में शामिल एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ऐसे ही लड़ते रहे तो ये सरकार और कितने दिन चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।